गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। 8 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हो रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट और हमेशा के लिए आज भी पोहा बनाया है। तो आज सवेरे ही ऑयलिंग किया है, आज शैम्पू करना है तो इसलिए सवेरे ही ऑयलिंग किया था और एकदम चिपकू चिपकू हो गई हूँ। अभी मशीन में डालेंगे कपड़ा और उसके बाद घर को पोछा लगाएंगे, नहाएंगे, खाना पकाएंगे। काम ख़त्म नहीं होता है हम औरतों का। एक्वेरियम में आप अगर गोल्डफिश रखते हो ना तो इतना गंदा करता है ये गोल्डफिश, एक्वेरियम को पूरा गंदा करके रखता है। मतलब हफ्ते में 2 टाइम साफ करना पड़ता है, पूरा पानी एकदम गंदा करके छोड़ता है। तो मेरा घर पोछा लगाना हो गया है। अभी ये डस्टबिन को धो के रख दिया है बैल्कनी में और ये फ्लोर मैट कारपेट सब बिछा देंगे। अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ, जो बर्तन धो के रखी थी वो अभी अपने अपने जगह पे रख रही हूँ। किचन अगर ऑर्गेनाइज रहता है ना तो झटपट से मेरा सारा काम हो जाता है, और अगर किचन गंदा रहता है ना, मेस्ट रहता है, तो मुझे एकदम काम करने का मन ही नहीं होता है। पता नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, आप में से किस किस को ऐसा होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। बना लेंगे तो यहाँ पे मैंने चावल को चढ़ा दिया है और अभी सब्जी काट लेंगे। और आज सब्जी में मैं बनाऊंगी अरबी और आलू की सब्जी, यानी गाठी कोचू आलू की सब्जी, और साथ में बनेगा दाल। तो दाल मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया है तो यहाँ पे अरबी काट लेंगे और अरबी आलू की सब्जी बना लेंगे।
तो मैं ओवन पे प्रेशर कुकर का पैन चढ़ा दिया है। अभी ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैंने तेज़पत्ता, सूखी मिर्च और साबुत जीरा डाला है। ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था तो वो जल गया है थोड़ा सा, तो अभी इसमें प्याज और कटे हुए हरी मिर्च डाल दिया है मैंने। इसे थोड़ा सा चला के इसमें मैं गाठी कोचू और आलू, यानी कि आरबी और आलू डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अभी मैं डालूंगी नमक और हल्दी और फिर से इसे अच्छे से भून लेंगे। तो अभी मैं पाउडर मसाला ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने डाला तीखा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, और अभी धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा भून जाए मसाला, फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। तो मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कटे हुए टमाटर, फिर टमाटर देके इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी और इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। बस हो जाएगा हमारा अरबी आलू की सब्ज़ी। और ये जो प्रेशर कुकर का पैन है ना, ये जितना भी मैं घिसूँ ये उठता नहीं है, तो बहुत सारे बर्तन ख़राब हो चुके हैं। कुछ दिन बाद मैं इसे चेंज कर लूँगी। तो चलिए, जस्ट अभी लंच करके बैठी हूँ मैं, और मेरी दोनों बेटी मिलके लंच कर लिया है, और मेरे हस्बैंड अभी तक उठे नहीं हैं, वो अभी सो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, फिर आप लोगों से कल मिलते हैं नए और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल ऑप्शन ऑन करके रखिए, ताकि मेरे डेली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ढेर सारा लाइक कर दीजिए, और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। टेक केयर एंड बाय।